वट इज़ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को उर्दू में हम हराम मग्स भी कहते हैं। ये मरकज़ी निज़ाम असाब का अहम तरीन हिस्सा हम कह सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन के निचले हिस्से से शुरू होता है, वर्टिब्रल कॉलम की नाली में से गुजरता हुआ ये फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे के निचले किनारे पर ख़त्म होता है। वर्टिब्रल कॉलम ये रीढ़ की हड्डी का हर दो मोहरे के दरमियान से स्पाइनल असाब का एक एक जोड़ा निकल रहा होता है। अब अगर हम इसको डिफाइन करें, व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूबरल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज़। एक जो है लॉन्ग थिन ट्यूबरल स्ट्रक्चर है जो कि नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना होता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इन ब्रेन स्टीम टू द लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जैसा कि मैंने बताया, ये कहाँ से शुरू होगा? ये दिमाग के निचले हिस्से से शुरू होकर, जिसके यहाँ पर मेडुला एंड ऑब्लॉन्गेटा का जिक्र आया है, निचले हिस्से से शुरू होकर वर्टिब्रल कॉलम की नाली से गुजरता हुआ कमर के पहले मोहरे मीन्स फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे के निचले किनारे पर ख़त्म होता है। वर्टिब्रल कॉलम ये रीढ़ की हड्डी का हर दो वर्टिब्रे या मोहरों के दरमियान से स्पाइनल असाब का एक जोड़ा निकल रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि इट इनक्लोज इन सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये इनक्लोज्ड होता है, महफूज होता है। इनक्लोज सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच कंटेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड रख रही होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखिए क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर दरमियान में एच या बटरफ्लाई शेप, ये जो एच या बटरफ्लाई शेप दिखाई गई है इसको आप एच कंसीडर करें। एच भी नज़र आता है देखने में, या इसे कहीं बटरफ्लाई से भी मेंशन किया जाता है। एच या बटरफ्लाई शेप जो दिखाई गई है यहाँ पर, इसके सेंटर के अंदर ग्रे मैटर मौजूद है, ग्रे मैटर एंड साइडों के ऊपर वाइट मैटर है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर में इसको डिवाइड किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कॉर्ड शो एन इनर बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर कंटेनिंग द सेंट्रल कैनाल एंड एन आउटर पोर्शन कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर। आउटर पोर्शन जो है इसका वो वाइट मैटर पर कंसिस्ट करता है। द स्पाइनल कॉर्ड इन अ सेंटर ऑफ फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, ये जो है इसमें बहुत से रिफ्लेक्सेस निकल रहे होते हैं। इट इज़ अ पाथवे फॉर इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। इसका काम क्या होता है, ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है डिफरेंट इम्पल्सिस को, डिफरेंट किस्म की वेव्स को जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आ रही होती हैं या फिर ब्रेन तक जा रही होती है, ब्रेन से आ रही होती है। सिग्नलिंग जो हो रहा होता है ब्रेन से डिफरेंट ऑर्गन्स तक और डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्रेन तक, तो ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस एंड इट इज आल्सो हैज़ CSF या स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके इर्द गिर्द भी एक कवरिंग मौजूद होती है ब्रेन की तरह, ब्रेन जिस कवरिंग में महफूज होता है ये भी उसी कवरिंग में महफूज होता है, जिसे मेनिंजेस कहा जाता है, जिसकी 3 लेयर्स हैं और इसके अंदर भी स्पाइनल जो है ये रखता है स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि इसको कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है।